अभी यार मैं गाड़ी तो निकालूं, ये बाहर इसका इंजन उतारना है। बड़वे का बच्चा सो रहा है ये, बे साले उठ। ऐसी मेरा से बदतमीजी कर रहा है ये। अरे नशीर कहले, ते लोगों को हायर करते हैं, टेंशन नहीं लो अशरफ भाई, मैं कर रहा हूँ। अबे यार क्या मुंह कर लिया यार, नशीर नाराज नहीं हो, मैं बात कर रहा हूँ उससे। 11 बजे गेंद हिलाता हुआ आ रहा था भूसड़ी का, मैं गया हूँ सो रहा है। तेरा हेडेक है भाई, तू कहाँ सो रहा है, कहाँ उठा है, अपना हेडेक नहीं है लड़के, तेरे को सैलरी देंगे, तू अपना अपार्टमेंट किराए पे ले, सब कुछ करेगा ना यार। अबे केला कौन सी गाली होती है साले, काम कर, खाना वाना खाते हैं अभी। एक तो ये भिखारी बना हुआ है साला। चलो यार आज तो मैं टाइम पे उठ गया, अब अभी जो है ना वो मेरे पे चीखेगा नहीं, मैं तो ना 2 घंटे पहले ही उठ गया यार। अबे यार तुम लोग सोच रहे होगे मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ यार। इतने बुरे दिन आ गए ना मेरे कि बस क्या बताऊँ यार, मैं पानी तो है नहीं यार, मैं यही मुँह हाथ धोने आता हूँ, वो देखो सामने जो चेसी है ना वो भी यहीं पे मुँह धोते हैं, इनका भी कोई घर बार नहीं है यार। कैसा वक्त आ गया यार, एक वक्त होता था यार आपके भाई के पास जो है ना नोटों की गड्डियाँ होती थी, अब तो यार सोने के लिए यार गद्दी भी नहीं है यार। चलो यार मुँह हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद जो है ना दुकान खोल के सफाई भी करनी है मैंने, वरना ये आबिद आके ना मेरे को बहुत सुनाएगा। अबे मेरे कपड़े भी बहुत गंदे हो गए यार, एक तो टाइम ही नहीं मिलता ना, कैसे धोऊं यार मैं। अबे यार कोई इसमें पेशाब तो नहीं करता ना, फिर मसला नहीं है, बाकी तो खैर है। वैसे तो यार मेरे को साफ पानी लग रहा है ये, जल्दी से कपड़े अपने साफ करूं, बस मेरे को कोई देख ना ले यार, बेइज्जती हो जाएगी, लोग बोलेंगे यार यहाँ पे एक मवाली रहता है, वो जो है ना यहाँ से गटर से जो है अपने आप को धो रहा होता है। वैसे यार ये गटर तो नहीं है यार, ये नदी है, साफ पानी है ये। चलो यार कपड़े चमक गए, अब चलते हैं यार शॉप खोलते हैं और बाहर जो है ना झाड़ू वाड़ू देते हैं यार। यार यही सही है, मैं ना आप जल्दी उठ जाया करूँगा यार। वैसे यार कल तो चलो रात सही थी, आज तो यार रात में बारिश है, आज का मेरे को ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना तो मैं भीग जाऊँगा और फिर मैं सो नहीं पाऊँगा, तो सुबह उठूँगा नहीं, तो ये आबिद ना मेरे को निकाल देगा। अशरफ भाई तो अच्छे हैं यार, वो मेरी जो है ना फटीक समझते हैं, लेकिन ये आबिद ना मुझे लगता है इसका दिल गुर्दा ही नहीं है भाई। वैसे यहाँ भी ना इलीगल है जाना, लेकिन आपका भाई जो है ना टाप के चले जाता है ना। ये देखो ए वर्कशॉप, किसी दिन ना नासिर वर्कशॉप भी होगी या भाई लोगों पर दुआ किया करो भाई के लिए यार। एक तो यार इतना कचरा रोज होके से जाता है, मुझे लगता है रात में ना हिरोची वगैरह आते हैं यहाँ पे ना, मुझे लगता है कुछ ना गलत हरकतें करके आते हैं यहाँ पे, जो ना चरस वरस पीते हैं ये। चलो अब दुकान खोले यार। वैसे कल रात ना आबिद भाई भी देर से गए थे यार, हमने गाड़ी तैयार कर दी है, क्योंकि यार कल शाम में इंजन आ गया था, तो अशरफ भाई ने बोला कि यार कल गाड़ी भी निपटा और उसका कलर जो भी है ना वो भी कर दो, तो यार वैसे ही हम रात में लेट फारिग हुए थे। ये देखो हमने जो है ना ये पुराना इंजन निकाल दिया है, अब ये जो है वो बिक जाएगा, और नया इंजन कल आ गया था वो फिक्स किया है। यार आपके भाई ने गाड़ी पर पेंट किया है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसा पेंट किया है मैंने। यार A1 गाड़ी लग रही है वैसे यार। आबिद भाई अशरफ भाई को ना काम तो आता है करना, वैसे यार सारा काम तो मैंने किया है। ये देखो यार कल इसका जो है ना बोनट पे कटिंग वगैरह की थी, ये जो है ना कटर लेकर आए थे और इंजन फिट किया है। अबे भाई गाड़ी की आवाज़ ही चेंज हो गई है, देखो ये देखो भाई गाड़ी की शक्ल ही बदल दी है यार। इसको जो है ना अब आराम से पीछे खड़ी करता हूँ, कपड़ा मारना इस पे, फिर जो है गाड़ी रेडी है। आज मेरे ख्याल में ना अशरफ भाई पूछा के आ जाएंगे बंदे के पास, पेमेंट तो पूरी आ ही गई है, आबिद भाई यही बोल रहे थे कल। चलो यार अब कपड़ा मार देता हूँ इस पे यार, ताकि चमकती हुई हो जाए। अरे अशरफ भाई थकन हो गई यार कल रात की वजह से, मैंने तेरे को बोला था आज लेट चलते हैं लड़के। अरे नहीं कोई लेट नहीं चलेंगे यार, मैं तो जल्दी जाना चाहता हूँ दुकान पे, मैं तो चाहता हूँ 1 घंटे पहले ही चले जाया करें हम। हाँ तू चाहते है ना ताकि नासिर की गांड मारे तू, है ना। अरे नासिर की गांड नहीं, फिर भी यार हमें टाइम ज्यादा मिल जाए इसलिए। अबे नहीं लड़के यार चल गाड़ी स्टार्ट कर। अरे अशरफ भाई कभी अपनी मेहरान भी निकाल लिया करो यार। अरे लड़के 70 में चलते है ना,
अरे 70 पे नहीं यार अशरफ भाई, मेरे यहाँ पापे दुख जाते हैं बैठे बैठे, और यार आपकी गद्दी भी जो है ना वो खत्म हो गई है। अबे हाँ यार बाइक मेरी पुरानी हो गई, लड़के मेरे को निकालनी है ये। हाँ अशरफ भाई इसको बेचो यार, गाड़ी तो अच्छी है आपकी, वरना मैं आपको बोलता गाड़ी भी बेचो। यार अशरफ भाई अभी जो है ना पेट्रोल कम है मेरी गाड़ी में, तो यार आज आप गाड़ी निकाल लो। अच्छा अच्छा निकाल लो निकाल लो, लड़के तू तो ऐसे बोल रहे जैसे अरे वेट। पता नहीं ये नासिर साला उठा ही नहीं होगा या नहीं उठा होगा। बड़ा भाई क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, पीछे क्यों बैठा है तू? अरे अशरफ भाई यार ना जुलुम करो इतना मुझ पे। क्यों मैं क्या जुलुम कर रहा हूँ तेरे पे? अरे अशरफ भाई कल तो आपको पता है इंजन डालने में उसके बाद पेंट करने में कितना टाइम लग गया, आप तो बाहर ही घूम रहे थे। ओ मैं कहाँ बाहर घूम रहा, लड़के मैं काम कर रहा, तुम लोगों को बर्गर लाके नहीं दिया मैंने? अरे हाँ यार वो तो लाके दिया, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। अरे मेरी टांगे यार। कम मारा करो ना फिर तुम्हारी टांगे। क्या मारा करो कम? मैं बोल रहा हूँ कम मारा करो ना यार, मुक्के वुक्के कम मारा करो, हिंट के तुम दीवार पे मुक्के मारते हो ना बहुत। हाँ क्या बोल रहे हैं अशरफ भाई? अरे कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई हाँ तूने काम किया है मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा भी ना बन भाई, देख अपना कारोबार करते हैं तो उसमें थकन तो होती है लड़के। हाँ ये बात तो है, थकन तो होती है यार। वैसे यार अशरफ भाई मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कहने का, लेकिन एक बात बोलूँ? हाँ लड़के बोल। यार नासिर जो भी है लड़के ने मेहनत की है यार, कल काम करवाया उसने। अरे लड़के मैंने तेरे को क्या बोला था? अबे नासिर काम का लड़का है लड़के, अब तेरे को समझ आया ना जब वो तेरे बुरे वक्त में काम आया? हाँ ये बात तो है यार, मैं शायद कुछ ज्यादा ही उससे ना बदतमीजी कर रहा था। हाँ लड़के टूट रहा है बहुत जो है ना, आउट ऑफ द लाइन चला गया था लड़के। लेकिन यार अशरफ भाई काम भी तो ऐसे ही करता है ना वो। बेटा मैंने सुलह कराई तुम दोनों की जब जाके उसने काम किया, वरना उसकी हट गई थी। मेरे को पता है वो क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था अशरफ भाई? वो बोल रहा था मैं अशरफ भाई आपकी शक्ल देख के उसको छोड़ देता हूँ, वरना इस गांडू को मैं मारूं। हे मेरे को गाली दे रहा था वो? नहीं गांडू तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, लेकिन यार वो ऐसी लैंग्वेज में बोला था ना लड़के। अच्छा फिर ठीक है, नहीं यार अब मैं उससे सही से पेश आऊंगा। लेकिन यार अशरफ भाई बस मुझे एक डर है ना, अगर मैं उससे अच्छे से पेश आऊँ ये ना कहीं वो हडराम बन जाए। अबे नहीं यार हडराम नहीं बनेगा लड़के, सही अपना जिगर है यार वो। हाँ यार ये बात तो है। यार अशरफ भाई आज रात को बारिश दिखा रहा है, शाम में जल्दी निकल आएंगे। हाँ लड़के आज तो अपनी गाड़ी की डिलीवरी है ना लड़के। हाँ डिलीवरी है बस आज पहुँचानी है भाई, अब अल्लाह करे कोई और काम ना निकल आया। और रात में तो मैंने चेक किया था थोड़ी, हम चला के भी चेक की थी मैंने, अब नासिर गंडू ने कुछ ना किया। अबे नासिर कुछ नहीं करेगा लड़के, फुरूल मन रोड पे चेक करता है, कुछ नहीं करेगा लड़के, अपनी गाड़ी है वो ना यार। अबे 80,000 रुपए आ गए सुबह मैंने चेक किया बैंक में आ गए लड़के। हाँ यार पार्टी बड़ी अच्छी है यार, उसने पहले ही पैसे दे दिए, अब बस गाड़ी आज पहुँचानी है, उम्मीद है उसको पसंद आ जाएगी। अबे पसंद आएगी, अपनी पसंद का कलर करवाया और बड़ुए ने, उसको पसंद क्यों नहीं आएगी? हाँ ये बात तो है, पसंद तो आ ही जाएगी उसको यार। अशरफ भाई अगर अभी जो है ना नासिर नहीं आया वो हुआ ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको अशरफ भाई। अबे नहीं लड़के आगे होगा यार, आज लेट नहीं होगा प्रोमिस। अगर आज नहीं आया वो दुकान पे फिर? अबे लड़के 15 मिनट वेट कर लियो, नहीं आया ना गांड पे लात मारियो उसके, अब मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता यार। हाँ अब देखता हूँ मैं आता नहीं आता। वैसे यार लड़के कल उसने मेहनत किया, सोने तो दे यार थोड़ा उसको। चलो ठीक है आधा घंटा वेट करूंगा, उसके बाद मैं सुनाऊंगा फिर। हाँ लड़के उसके बाद जो तू करेगा मैं तेरे साथ हूँ लड़के। ये देख यार, अबे रात में मुझे लग रहा है चरसी मावाली आते हैं यहाँ पे लड़के, है ना? मुझे भी लग रहा है हीरोइनची आते हैं, या तो ये नासिर चरस पीता है सस्ती। अबे उसके पास खाने को पैसे नहीं है, सस्ती चरस कहाँ पिएगा वो भीड़ की आंख। अबे दुकान खुली हुई उठ रही गाड़ी बाहर खड़ी हुई, बेटा मैंने क्या बोला था नासिर आ गया है कहाँ वो इस वक्त? हाँ गाड़ी तो उसने निकाल दी है, कपड़ा भी मार दिया, चलो टाइम पे आ गया साला आज। मुझे लग रहा है लड़का इतना थका वड़ा कल सोया नहीं होगा, है कहाँ वो? कहाँ है पता नहीं साला, दुकान खोल के गाड़ी बाहर खड़ी करके मुझे लगता है वो चला गया साला। अबे नहीं लड़के यहीं कहीं गया होगा, मेरे ख्याल में चाय वाय पीने गया होगा नाश्ता करने लड़के। अब देख यार इसको रेडी करते हैं लड़के, फिर पहुँचाते हैं, कितने बजे पहुँचाना है? 2 बजे बोला था उसने, 2 बजे उसके घर पे पहुँचानी है। हाँ लड़के चलिए 2 बजे फटाफट उसको पहुँचा यार, फिर इसका हिसाब किताब क्लियर करते हैं लड़के। ये नासिर कहाँ रह गया यार? हाँ बंदे से बात हो गई है मेरी, वो पहुँच रहे बस। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, साले कहाँ गया वो था? अबे यार पेशाब करने गया था मैं यार। ओ अच्छा चल ठीक है, शाबाश लड़के तूने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी। थैंक यू आबिद भाई। और अशरफ भाई क्या हाल है? लड़के अमन है लड़के अमन है, और तू सुना लड़के खैरियत है? हाँ बस खैरियत है यार। अशरफ भाई कल तो यार गांडी फट गई यार इसको बनाने में। अबे लड़के गांड तो फटेगी भाई, लेकिन देख लड़के कितनी चमकी हुई है, माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए लड़के। अरे हाँ हाँ यार अशरफ भाई वैसे तेज भी चलती है, मैंने ना रात में घुमाई भी है। बोटड़ी का बहुत आरामी है तू, रात में घुमाई है तेज चलती है? हाँ बहुत तेज चलती है यार, मेरे से संभल ही नहीं रही थी यार, मेरे को बड़ा मजा आया।
पोटरी का सारा पेट्रोल तो उन्होंने खत्म नहीं कर दिया, अब गांड मारेगा फिर अपने। नहीं नहीं पेट्रोल नहीं खत्म किया यार, एक ही तो गली में घुमाई थी मैंने। अहे फिर सही है लड़के, वैसे लड़के बहुत अच्छा काम किया लड़के तूने, वो भोसड़ी का पुराना इंजन किधर गया? अच्छा भाई यार वो मैंने कबाड़ी की साइड में रख दिया, अभी माल आने वाला है ना तो उन्हीं बंदों से पूछूंगा कि कितने में ले रहे हो, तो हाथ के हाथ बिक जाएगा। वह लड़के वह ये होता है तेरा काम, मैंने तेरे को कल वैसे बोला था लेकिन तूने सुबह ही सुबह सारे काम कर दिए लड़के। तेरे को दिल तो चाह रहा है कि पप्पी कर लूँ लेकिन भेड़ क्या तेरी शक्ल देख के ना मेरा दिल बदल जाता है फिर। हाँ थैंक यू पप्पी नहीं करो, मेरे को पैसे दो यार। हाँ लड़के पैसे दूंगा मैं तेरे को, अभी पार्टी पैसे पहुँचा दिया उसने बैंक में आ गया, लेकिन जैसे ATM से निकलवाऊंगा तेरे को देता हूँ लड़के, टेंशन नहीं ले लड़के। थैंक यू यार अशरफ भाई। हाँ लड़के मेंशन नोट। अशरफ भाई मेरी बात हो गई ये बंदे से, वो बोला अभी पहुंचा दो गाड़ी। हाँ लड़के तो फिर मैं लेकर पहुंचू। नहीं नहीं अशरफ भाई मैं जा रहा हूँ उसके पास, तो मेरी डील हुई थी ना तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं पहुँचा के आता हूँ। सही है आप यहीं पे रहो दुकान पे और देख लो कोई काम, क्या पता कोई गाड़ी है तो फिर देख लेना, नासिर है ना आपके साथ या फिर आप जा रहे हो नासिर को लेके? अरे लड़का तू होकर किधर है? इतनी अशरफ भाई सैंडी शोर्स की साइड पे, बस मैं आता हूँ पहुँच के। अबे वापस कैसे आएगा लड़के, गाड़ी तो तू लेकर जाएगा। अरे वापस मैं बस में आ जाऊंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी टेंशन नहीं लो। अरे लड़के चल सही है तू निकल फिर। यार अशरफ भाई आपसे एक बात करनी है। कोठरी के नीचे पीछे आ जा, उसको जाना है। यार अभी जाने दो फिर बात करते हैं। अबे ऐसी क्या बात है, क्या पर्सनल बात है कोई? हाँ पर्सनल बात है। अबे अबे निकल ना। एक मिनट अशरफ भाई सारी चीजें चेक कर रहा हूँ, ये इंजन की लाइट क्यों? अच्छा ये मेरे ख्याल में कोई वो मसला है, दूसरा मसला है। अबे लाइट का चेक कर ले यार, फिर वो दिमाग का मट्ठा मारेगा वो क्लाइंट यार, उससे पहले यार चेक कर ले चीजें। नहीं नहीं अशरफ भाई सब सही है सही है। अरे ना सिर्फ बाहर आ जा यार अशरफ भाई। अहे लड़के बोल ना भौंक ना भड़वे, अबे साइड में हटिया। यार कैसा गेट है ये भाई, अभी निकालने है गाड़ी तू भी है। हाँ अशरफ भाई मिलते हैं फिर शाम में, अस्सलाम वालेकुम। हाँ लड़के वो क्या बोल, क्या काम है? यार अशरफ भाई यार मेरे को ना यार भूख लग रही है, कुछ खिला दो यार। और ठीक है वो उसके सामने नहीं बोल सकता था, वो थोड़ी देर कोई खाने पे मना थोड़ी करता है लड़के। अरे यार मैंने बोला यार आबिद भाई बोलेंगे इसको खाने की बड़ी हुई है। अबे इतना नहीं डर लड़के, उसकी कोई ऐसे नहीं बोलता वो यार लड़के। अबे भोसड़ी का तू खा नहीं रहा तो झंडा कैसे? अरे यार वो फल वल खा रहा था, मैं केले रखे हुए थे यार, वैसे कोई सॉलिड फूड ही नहीं खाया मैंने। टूटिया नहीं हुआ ना, कल मैंने तेरे को बर्गर ला के दिया था वो नहीं खाया तूने? हाँ आधा तो आपने ही खा लिया था मेरा। ओ अबे यार मेरे को भूख लग रही थी लड़के यार। हाँ तो मैंने आपको दे भी दिया था तो आपके पैसों का था ना इसीलिए। अरे लड़के चल क्या खाएगा लड़के बोल, आ जा कुछ खाने चलते हैं। अरे यार अशरफ भाई फिर क्लाइंट व्लाइंट आ जाएंगे फिर क्या करेंगे? अरे क्लाइंट की माँ की झूठ, अपना बिजनेस है यार, अब अपने बिजनेस में अपन नहीं जा सकते अपनी मर्जी से, तो किसके बिजनेस में जाएंगे लड़के? अरे तेरे को खिला के लाता हूँ, क्या खाएगा लड़के? यार कुछ भी खिला दो यार, मेरे को भूख लग रही है यार अशरफ भाई, यार मेरे हालात कब बदलेंगे यार? अबे लड़के तेरे हालात बदल जाएंगे, टेंशन नहीं ले। अरे अरे वेट वेट यार अशरफ भाई, आपकी गाड़ी में थोड़ी देर सो जाऊं क्या? भाड़ो भाई सोना या खाना एक बार बोल। यार बहुत थक गया यार अशरफ भाई। अबे तो लड़के यार तू लेट आया था लड़के। नहीं नहीं मैं लेट नहीं आ सकता यार अशरफ भाई, आबिद भाई फिर मेरे को बोलेंगे। अबे यार लड़के कुछ नहीं होता, मुझे पता है तूने रात में लेट लाइन तक काम किया लड़के, कुछ नहीं होता लड़के। अरे यार कोई नहीं, अब मैं ना बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, अब मैं टाइम पे ये आ करूँगा। ये बात लड़के ये बात। अरे यार अशरफ भाई आज रात को तो बारिश भी है यार, मैं तो गया यार कल मैं लेट आ जाऊँ। लेट आ जाऊँ? हाँ चल लड़के एक घंटा लेट आ जाएगी वो लड़के, कोई मसला नहीं है। हाँ शाम में बारिश है अपन भी जल्दी निकल जाएंगे लड़के। हाँ हाँ आप लोग निकल जाना यार। यार सही है मैं एक घंटा लेट आ जाऊंगा प्लीज यार, कल पूरी बारिश है रात में, मेरे को नींद नहीं आएगी ठंडक से। हाँ लड़का सही है खैर है कोई मसला नहीं लड़के। यार अशरफ भाई अशफाक का रोल खाना है मैंने। मेरा रोल खा ले भोसड़ी के, अब फरमाइशा कर रहे तू तेरे को, उंगली पकड़ा तू भोसड़ी का हाथ पकड़ ले रहा पूरा। अरे यार प्लीज खिला दो ना यार। हाँ चल सही है अशफाक का रोल खाते हैं कोई मसला नहीं, कितने का आता है वैसे? आज 150 का आता है। बल्कि यही पैक कर दो, गली में तो जगह नहीं है। अबे यहाँ पे पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे लड़का, नो पार्किंग है ये। एक काम करूँ ना यार, यहाँ लगा अंदर लगा दो इसकी माँ की चूत। चल सही है अंदर ही लगा दो, यहाँ मसाज नहीं होगा ना लड़के? अरे नहीं यार इसी से रोल ले लें, क्या मसला होगा? हाँ तू आटा रहता तेरे को पता होगा लड़के।
80 रुपए ही पार्सल कर लेंगे। अबे पार्सल नहीं करेंगे, यहीं बैठ के खाएंगे लड़के। कौन सा रोल है ये? यार 80 रुपए बीफ वाला लेना मेरे लिए, और आप चिकन ले लो। अबे मैं भी बीफ लूंगा भैया, मैं क्यों चिकन खाऊं। अबे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई जान, ये एक जो है ना, ये बीफ वाला रोल कर देना मेरे लिए, और तेरे लिए भी बीफ वाला लड़के। हाँ मेरे लिए भी बीफ वाला। बहुत सारी क्या दुकान में क्यों घुस रहा है गाड़ू? बीफ वाला करना है आपके लिए, दो बीफ रोल कर दो बस। हाँ दो बीफ रोल कर दो बस। यार 80 रुपए एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लो। बहुत सारी क्या मेरी कोल्ड ड्रिंक पी ले भेड़ की। यहाँ तेरे को एक तो चीज दिला रहा हूँ, फिर तू बोल रहे। यार 80 रुपए जब इतना खर्चा हो रहा है तो कोल्ड ड्रिंक भी ले लो ना यार। चल सही है। हाँ भाई जान, दो कोल्ड ड्रिंक कर दो सही है, और ये दोनों जो है ना बीफ वाले रोल कर दो फटाफट, जल्दी फटाफट यार। हाँ कर रहे हैं, बैठो भाई बैठो। अच्छा लड़के बैठो, बना रहे वो। अच्छा अच्छा बैठ। थैंक यू यार 80 रुपए भाई। अरे जल्दी खा ले यार। हाँ खा लो यार, बहुत भूख लग रही है यार। भैया का कुछ दूसरा भी मंगा रही है। अच्छा अब भाई एक और मंगा लो मेरे लिए, एक और मंगा लो। वेन केक मैंने इसको एक मंगाया भाई, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने भी पी। बड़वा बोला यार एक और मंगा लो, मेरे को भूख लग रही है। अरे भोसड़ी का खा रहा है। वैसे यार हालात ही बेचारे के ऐसे हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, वरना मेरी हड्डी आती है, वरना मैं पैसे खर्च नहीं करता किसी बैठने। अबे जल्दी खा ले। हाँ मैं खा रहा हूँ, आप पहुँचो पहुँचो यार, गाड़ी स्टार्ट करो, बस खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ अरे जल्दी आ जा तू। अरे बेचारा भूखा है यार, बारिश भी आ गई रात में यार, कैसे सोएगा ये यार, क्या करें यार इसका। चलो यार कल इसको माफ़ कर देंगे, एक घंटा लेट आ जाए काम पे कोई मसला नहीं है, अभी से मैं बात कर लूँगा, बोलूँगा यार लड़के बारिश है यार, इसको जो है ना बेचारे को सोने दे यार। वैसे यार छुट्टी भी देते कल, इसको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यार आबिद मानेगा नहीं वहीं की। हाँ चलो भाई चलो चलो। और सॉरी क्या, चलो चलो, तेरे को दो बर्गर खिला दिया मैंने यार। बर्गर थोड़ी थे वो, रोल थे। हाँ दो रोल खिला दिया मैंने तेरे को, तूने एक बोला मैंने दो खिलाए। अरे थैंक यू यार 80 रुपए, अब क्या खाते में लिखोगे यार, 150 रुपए का तो था। 150 रुपए का था वो, लेकिन तेरे पास 150 रुपए भी नहीं है खाने के लिए भेंट की आँख। चलो वेट यार 80 रुपए, मैं ना कभी भी नहीं भूलूंगा आपका ये एहसान। अबे लड़के एहसान नहीं है लड़के, तू अपना जिगर है लड़के। भेंट के दरवाजा खुला छोड़ा हुआ तूने। अरे पीछे स्पीड में पीछे लो ना, बंद हो जाएगा भाई। ये वो गाड़ी नहीं है, बंद नहीं होता इसमें भेंट की आँख। तू भी यार बेटा तो बंद किया करना। अरे यार सॉरी यार। अबे सॉरी की कोई बात नहीं लड़के। अच्छा भाई वो देखो, वो गाड़ी जा रही है जैसे हमने बनाई है ना। हाँ बहुत गाड़ियाँ ऐसी, लेकिन अपन ने जो बनाई लड़के वो अलग ही लग रही है ना। हाँ अपन ने तो यार ऐसा काम किया है मेरे ख्याल में ना, अब वो आगे 10 लोगों को बताएगा, फिर आएगा हमारे पास ना, बहुत काम बढ़ेगा। वैसे लड़के एक बार बताऊँ, अपन ने ना रेट पीट रहे हैं, अपन रेट पीट रहे हैं। हाँ क्यों पीट रहे हैं अपन रेट? अबे लड़के ट्विंकल भाई का यही गाड़ी जो है ना भाई, 3 लाख से ऊपर की बनती है, अपन ने 80,000 में चिप के दिए लड़के, अब वो आगे लोगों को रेट बताएगा, तो मेरे ख्याल में मार्केट खराब कर दी हमने ट्विंकल भाई के लिए। तो क्या हुआ भाई, ऐसे ही तो अपन को काम पकड़ना है, अगर हम ज्यादा रेट में करेंगे तो हमसे कौन बनवाएगा? अबे हाँ यही स्ट्रेटेजी थी मेरी और रैबिट की, हमने बोला रेट अपन जो है ना शुरू में कम रखेंगे, बाद में बढ़ा देंगे, पहले अपन को नाम करना है लड़के। हाँ नाम तो हो जाएगा यार, बल्कि हो ही गया यार, सारे जहां में नाम है 80 रुपए का। हाँ अशरफ भाई आबिद का, दोनों का लड़के। हाँ और मेरा भी थोड़ा सा। हाँ लड़के तेरा भी थोड़ा सा। अबे भड़वे यार गाड़ी को तो हटा यार, वैसे तेरे पास खाने के पैसे नहीं है, तूने ये क्यों उठा ली थी, ये बनवानी है यार? उस वक्त मेरे पास पैसे थे, मैंने सोचा यार इसको बनवा लेंगे, लेकिन यार क्या करूँ इसका। अबे इसको छोड़ यार, दूसरी गाड़ी ले लूँ जब पैसे वैसे हैं भाई, पहले तो अपनी जगह का जुगाड़ करियो तू लड़के। अबे इसको साइड पे कर, आबिद जो है ना बुरा मानता है फिर। अरे यार अभी थका हुआ हूँ मैं, मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है जो उसको खींच के लेके जाऊँ, आप हेल्प करा दोगे क्या मेरी? अबे लड़के मैं कोई हेल्प नहीं करा लड़के, एक तो यार रैबिट भी नहीं आया अभी तक, और यार कोई गाड़ी बनवाने नहीं आ रहा भिंड किया के, अपने को बोर्ड लगवा के फायदा क्या हुआ भिंड किया? अरे यार मेरे ख्याल में पता क्यों नहीं आ रहे लोग। हाँ लड़के बता क्यों नहीं आ रहे? अरे यार यहाँ पे जो हीरोइन की चरसी आते हैं ना, यहाँ पे रात में आके चरस पीते हैं, आपको पता है ये गली कौन सी मशहूर है? क्या कौन सी मशहूर है गली लड़के? चरस गली के नाम से मशहूर है ये गली है? अबे भड़वे पहले क्यों नहीं बताया तूने चरस गली है, ये जमीन तो मेरी है, भेड़ की आँख जो है कोई आता नहीं है यहाँ पे, बोल दो चरस गली में कोई मैकेनिक आया लड़के, यहाँ से चरसियों को भगाना पड़ेगा लड़के। हाँ मुझे पता है कौन आते हैं यार रात में। अबे तो भड़वे तू उनको बोलता क्यों नहीं है कि क्यों आया तो? अरे यार मैं कैसे बोलूँ यार, पिछली गली में वो बैठते हैं, वहाँ पे टुल्ले आ जाते हैं उनको भगाने, फिर ये रात में ना यहाँ पे आके बैठ के ना चरस पीते हैं और हीरोइन के इंजेक्शन लगाते हैं। बड़े बड़े डेरे को उनका लोकेशन बड़ा है कि डर है? हाँ पिछली गली में बैठते हैं वो। अरे उनकी गाड़ मार के आते हैं भेड़ के लोड़े।
ऐसे कैसे यार यहाँ के चरस पीने आजा। अरे यार इन दोन अपनी गान मार देंगे वो। अबे बड़े चर्सी हैं वो, उनको तो अपन ही संभाल लेंगे। अरे लड़के टेंशन क्यों ले रहा है, किधर है वो, तूने शक्ल देखी हुई है उनकी? हाँ मेरी देखी हुई है। अच्छा भाई एक तो सामने से आ रहा है और एक पीछे आ रहा है। पीछे कौन आ रहा है भैसी वाला? यार यही लड़के घूम रहे हैं, ये रात में ना चरस पीते हैं। इनकी इनकी ये लड़का है, ये लड़का है, हाँ ये लड़का है। अरे भैसुड़ी के कैसे पीता मेरी तरफ झाड़ू? अच्छा बीमार अच्छा चरस नहीं पीने का भाई इसको नशीर। इनके लड़े अब चरस पीना वैसे आप है ये बड़े इधर आ। और चर्सी आ गए। अरे वहाँ की टूट भड़वे कैसे भी हो गए तुम लोग यहाँ ऐसे लोग की वर्कशॉप है, यहाँ पे किसी तरह गार मार दूंगा। मैं नशे इनको मार है। हाँ मार रहा हूँ मैं भड़वे चरस नहीं पिएगा यहाँ पे कोई, मैं बैठा रहा हूँ। अबे भागो। अरे इचरा भाई मेरे को अकेला नहीं छोड़ो। ढक गया मैं, ढक गया मैं आगे कुछ इधर आओ चरस पीना किसी ने गाड़ मार दूंगा मैं एक एक की। अरे पाटू अबे भड़वे तू पीछे देखना पीछे कहा आए हुए साले, अब चरस पिएगा भोसड़ी। ये भेड़ के लोड़े हम मां के लोड़ो चर्सी है ये, निकलो यहाँ से तुम लोग निकलो। अरे शुरबा इनको नहीं मारो। अबे ये इनको इलाज करके सही करेंगे फिर ये चरस पियेंगे दोबारा आके। अबे मार ना भोसड़ी का क्या कर रहे हो, मेरे को मुक्के चेप रहा है चूटी आदमी। अरे अशुर भाई मेरे को लग रहा है ये ना बेहोश हो गए। हाँ तो बेहोश होंगे ना लड़के। अशुर भाई गोली मार दो उनको। अबे गोली बोली नहीं मार रहे भेंट के, आ गया पुलिस आएगी फुजूल में। अरे अशुर भाई इनकी एम्बुलेंस भी तो है ना। अबे लड़के काम का इधर आ। अरे क्या कर रहे हो अशुर भाई? अबे इधर तो है ना लड़के, भेज भेज जल्दी भेज जल्दी सबूत मिटाना लड़के। हाँ क्या सबूत मिटाना है अशुर भाई? अबे भेज तो भरोसा के मेरे को, तू ये बताए इतनी बड़ी चीज को आग कहाँ पे लगाए अपन? हाँ आग क्यों लगानी है उसको यार अशरफ भाई, क्या हो गया? अबे भड़वे हमने यहाँ पे बेहोश कर दिया इनको, पुलिस ढूंढेगी अपने को, उसको आग लगानी है लड़के कहाँ? हाँ अशरफ भाई यहाँ मैं जाता हूँ ना मुँह हाथ धोने, यहाँ पे ले लो। अबे कहाँ पे ये तो बन है। अरे मैं तो फिलहाल के जाता हूँ, आप तोड़ दो ना। चल अबे क्या करना है लड़के, यहाँ पे आग लगानी है कि पुलिस को पटाना चाहिए लड़के? हाँ यहाँ किसी के बाप को नहीं पता चलेगा, पुलिस की तो खैर है। कहाँ लगाऊँ लड़के? अरे यही कोने में ना, यहाँ लगा दो। अबे भाई ये चर्सी अब दोबारा नहीं आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं क्या करूँ, अभी इनको सबक सिखा तो दिया, अब नहीं आएंगे गाड़ भड़ गई होगी इनकी। अबे हाँ जल्दी से मट्टी का तेल निकाल यहाँ से, पेट्रोल वेट्रोल निकाल, इसको आग लगा रहे हैं लड़के। आपके पास पिस्टल तो है ना? हाँ हाँ लड़का पिस्टल है मेरे पास। अशुर भाई पीछे चेक करो, शायद जो है ना तेल का डब्बा रखा हुआ हो। हाँ मेरे को देखने दे, आस पास देखता रहे कोई आटो नहीं रहा। अरे नहीं आप किसी का बाप नहीं आता, यहाँ पे सारे मवाली आते हैं। मिल गया मेरे को मिल गया, हट 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 पीछे हट। अशुर भाई आपके साथ तो असल मजा आता है काम करने का मेरे को। हाँ तेरे को बदमाशी छूटी है ना बेफ्री के, तू पहले उनको नहीं मार के भगा सकता था भेंट की आँख? कैसी आ रहे तू भेंट की आँख उनको आने दे रहा? अरे यार अशरफ भाई वो मेरे को यार 150 पकड़ाए जाते थे, मैं चुप हो जाता था। बड़ा भाई तू पैसे के आगे ना कुछ भी कर सकता है, भेंट क्या कल को कोई तेरे को मेरे को मारने के पैसे दे रहे गाड़ू, तू क्या पैसे ले लेगा उससे? अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी, मैं तो यार लो लू, लेकिन यार खाने के वंदे पड़े में तो यार 50-100 में क्या जाता है। मैंने बोला कौन सा यहाँ पे यार कुछ और कर रहे हैं वो। हाँ ये बात भी है लड़के सही है, अरे गाड़ू पीछे हट यार तेरे को भी आग लग जाएगी लड़के। हाँ मैं पीछे हिट रहा हूँ। अबे पीछे हट गया भैसुड़ी के। हाँ मैं पीछे हट गया हूँ। अरे लड़के आ जा, भेड़ की आँख मेरे भेजने से कोई बदमाशी नहीं करेगा भाई। अबे क्या हीरो बन के आ रहे भेड़ की आँख? अबे यार मेरी तो गाड़ी फट गई। गाड़ फट गई ये देख लड़के, सबूत ऐसे मिटाया जाता है, आगे अपन कुछ भी करेंगे ना तो ये देख ले ऐसे सबूत मिटाते हैं लड़के।
वाह यार अशरफ भाई, आप तो यार एकदम हीरो हो यार। हाँ हीरो हूँ मैं बड़े। अब एक बार बताऊँ, आबिद को इस बारे में नहीं बताया, वरना आबिद बोलेगा भेंट किया फुटबॉल में आपने पुलिस का चक्कर पाल लिया। सही है, आबिद को नहीं पता चले, बट अपन बोलियो के अपन ने जो ना ठिकाने लगा दिया टर्सियों को। सही है, हाँ आबिद भाई को कुछ नहीं पता चलेगा, टेंशन नहीं लो। अरे अरे लड़के, अपन दुकान पर चलते हैं, क्या पता कोई गाड़ी सही करवाने आए। अरे अरे लड़के, हाँ अरे आ रहा हूँ अशरफ भाई। We'll be right back.